सब्सक्राइब करें वर्सेस किचन चैनल को, दबाइए इस घंटे के बटन को हमारी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्सेस किचन। आज हम बनाएंगे शाही पनीर। ये मैंने स्पेशल आप सभी के लिए बनाया है क्योंकि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। अगर आप मुझे बर्थडे विश करना चाहते हैं तो कमेंट करके प्लीज बर्थडे विश कीजिए, और अगर आप मुझे बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं शाही पनीर बनाना। पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, जिसे मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। शाही पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए है 4 बड़े टमाटर, इनको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, इसे मैं मिक्सी में पीस लूंगी। और 3 बड़े प्याज लिए, इन्हें भी मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है। और आधा कटोरी मलाई ली है, और ये थोड़े से काजू जूस की है, और 10 से 12 कलियां लहसुन की, और ये 1.5-2 इंच करीब अदरक का टुकड़ा, और प्याज, अदरक लहसुन और काजू और मलाई, इन सभी चारों को मिक्स करके मैं एक पेस्ट तैयार कर लूंगी। मसालों में मैंने यूज किया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने कुछ खड़े मसाले भी यूज किए हैं, 2 तेज पत्ता यानी बे लीव, और 1/2 चम्मच जीरा, 8-10 हमने काली मिर्च ली है, और 4 से 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 3 लौंग। शाही पनीर को रिचनेस देने के लिए मैंने इसकी ग्रेवी तैयार की है दूध से। इसमें मैंने 1 ग्लास दूध लिया है, और इसको मिठास देने के लिए मैंने लिए है 2 चम्मच चीनी। आप इसकी जगह पर शहद भी यूज कर सकते हैं, या चीनी की क्वांटिटी घटा बढ़ा भी सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। शाही पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए देसी घी 2 चम्मच। आप इसकी जगह पर बटर या तेल कुछ भी यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम शाही पनीर बनाना। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में घी डाल देती हूँ। घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है तो हम ये खड़े मसाले इसमें डाल देंगे, तेज पत्ता, जीरा, काली मिर्च, और ये लौंग ली थी, लौंग, जो बड़ी इलायची और छोटी इलायची लिए, इसे हम तोड़ के डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और ही अच्छा आएगा। देखिए इस तरह से हमने ये बड़ी और छोटी इलायची तोड़ ली है, तो अब हम इसको भी इसमें डाल देंगे और एक बार चला देते हैं। देखिए खड़े मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, तो हमने ये काजू, प्याज और मलाई का पेस्ट तैयार किया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। तो हम अच्छे से भून लेंगे चलाते हुए। गैस को आप मीडियम फ्लेम पर रखें, जिससे आपके मसाले अच्छे से भुन जाए। ये अच्छे से भुनने लगा है, और इसका जो घी है वो बाहर आने लगा है। मलाई से ये और ही क्रीमी बन जाएगा, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। काजू, मलाई, अदरक, लहसुन जो हमने इसका पेस्ट तैयार किया था, उसका पेस्ट देखिए हमने कितना अच्छे से भून लिया है। इसका जो घी है बाहर आने लगा है। तो अब हम इसमें ये मसाले ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, नमक, इन सभी को अच्छे से हम बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लेंगे। देखिए मसालों को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, और ये प्याज लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे तरह से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें जो टमाटर का पेस्ट तैयार किया था उसको भी ऐड कर देंगे, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं। देखिए टमाटर भी हमारा मसालों के साथ अच्छे से भून गया है, देखिए घी और ये तेल बाहर आने लगा है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे। चीनी की जगह पर आप हनी भी यूज कर सकते हैं। सारे मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं, तो अब हम इसमें जो पनीर हमने कट करके रखा था इसे भी ऐड कर देंगे। देखिए मसालों के साथ हमने पनीर ऐड कर दिया है, और इसे हम अच्छे से चला देंगे, जिससे इसका जो मसाला है पनीर अच्छे से ऑब्जर्व कर ले और इसका टेस्ट पनीर में आ जाए। देखिए पनीर हमने इसमें डाल दिया है, इसे हम 3 से 4 मिनट तक ढककर पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारे पनीर में मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम जो हमने दूध लिया था इसको भी ऐड कर देंगे, और दूध डालने के बाद इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जब तक दूध में उबाल ना आ जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो दूध फट जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा, जिससे आप चलाते रहें। दूध डालकर आप इसे बराबर चलाते रहें,
इसे आपने सिर्फ 5 मिनट और पकाना है, फिर हमारा शाही पनीर एकदम रेडी हो जाएगा। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और शाही पनीर हमारा बिल्कुल रेडी है, इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। शाही पनीर हमारा तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।